आज हम जम्मू लोकसभा के से प्रत्याशी लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्षेत्र में सर दौरा आपका हो रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है सर? सर जिस तरह से क्षेत्र में दौरा हो रहा है सर, किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों का झुकाव है कि अच्छे कैंडिडेट को आना चाहिए। पुराने कैंडिडेट जो रहे 10 साल लोजपा के, उन्होंने देखने भी नहीं आया गरीबों का, और जितने भी मंत्री यहाँ बने एमपी पहले भी किसी भी पार्टी का हो, उसने कोई सुधार नहीं किया, ना नौजवानों के लिए किया और ना तो यहाँ के स्वास्थ्य के लिए देखा और ना शिक्षा देखा। 10 साल वर्तमान में जो सांसद रहे सर, फिर क्षेत्र में दौरा कर रहे सर, किस तरह का लोगों में? उन्होंने अपने पार्टी से किसी को खड़ा किया, अपने अपने बहनोई को खड़ा किया, तो उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, वो तो बेचारा मतलब क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं, और जम्मू ही छोड़ दीजिए आप, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट ना तो मेरे इतना पढ़ा लिखा है और ना इतना मेरे इतना प्रशासनिक सेवा में रहा है और ना कोई इतना अच्छा दिल में भावना हो गरीबों के लिए, ये मैं संकल्प के साथ बोलता हूँ कि इतना मैं किसी में भी नहीं है। जब सर सब चुनाव जीत के जाइएगा, क्या रोड मैप होगी आपके जम्मू के लिए? हमारा जम्मू के लिए रोड मैप है कि जम्मू में मजदूर के बच्चे मजदूर अब नहीं बनेंगे, उनके लिए हम अच्छी शिक्षा लाएंगे, हर प्रखंड में एक बालिका विद्यालय और बालिक विद्यालय होगा। जमुई, शेखपुरा और तारापुर, ये तीनों में स्वास्थ्य सेवा इस तरह से डेवलप करेंगे कि हार्ट के मरीज को, ब्रेन के मरीज को और किडनी के मरीज को पटना या किसी बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़े। चलता फिरता अस्पताल होगा जो हर पंचायत में घूमता रहेगा और सभी लोगों को जांच करेगा, लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर जाएगा अस्पताल, घर पर इलाज करेगा, घर पर ही दवा देगा। अगर कोई बड़ी बीमारी होगा तो उसको हम टेलीमेडिसिन से अपने सेंटर से जोड़ देंगे या दिल्ली से जोड़ देंगे। तो आप एक तरह से समझिए कि जमुई में ही हम एम्स को ले आएंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा, और बेरोजगारी के लिए मैंने सोचा है कि हर ब्लॉक में हम लघु उद्योग, मीडियम साइज के उद्योग खोलेंगे ताकि हमारे नौजवान को कम से कम हर ब्लॉक में 1000 नौजवान को नौकरी लग सके, ये हमारा वचन है। सूत्र से जानकारी मिल पा रही है सर कि प्रधानमंत्री का भी यहाँ कार्यक्रम लगना है सर, किस रूप से देखते हैं? प्रधानमंत्री आज जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो बोलते हैं हम मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 2014 में आए और उन्होंने नौजवानों को ठगा, देश के सारे नौजवानों को ठगा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और बता दूं आज हमारे 15 साल से लेके 39 साल 30 साल तक के बच्चे 39 करोड़ समझ रहे हैं, ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं और ना कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उनकी गारंटी यह है कि 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, और तो और उन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन रेलवे नहीं बेचूंगा, उन्होंने देश की संपत्ति को बेचना शुरू किया। जितने प्रधानमंत्री हमारे बने देश में सब ने देश की संपत्ति को बनाया, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो देश में किया है वो सांप्रदायिकवाद किया है, हिंदू मुस्लिम की बात किया है। मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछता हूँ मोहन भागवत से, ये बताइए कि जब हिंदू बीमार पड़ता है तो उसको खून देते हैं डॉक्टर लोग, वो मुस्लिम का खून भी होता है, तो मुस्लिम का खून हिंदू के खून में चला जाता है तो हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हो, और हिंदू का खून मुस्लिम में जाता है। तो जब खून एक दूसरे के खून में जा करके एक दूसरे के जान को बचा सकता है तो तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति क्यों करते हो, देश में सांप्रदायिकता क्यों बढ़ाते हो? इस तरह का लिचिंग तुमने यूपी में लिचिंग किया, सब जगह हिंदू मुस्लिम के बात करते हो क्यों? धर्म के नाम पर जो पार्टी पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, वो देश को बर्बाद कर देता है। ये मैं नहीं, बड़े 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 विशेषज्ञ ने कहा है कि कोई भी पार्टी अगर धर्म के नाम पर राजनीति करता, और भारतीय जनता पार्टी आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, वो शिक्षा पर करे, स्वास्थ्य पर करे, हमारे नौजवानों के नौकरी पर बात करे, धर्म पर क्यों बात करता है?
अगर मोदी जी भी आ रहे हैं तो इस पर बात करें कि उन्होंने नौकरी कितना दिया, वो महंगाई को कितना कम किया, उन्होंने शिक्षा में क्या लाया, वो स्वास्थ्य में क्या किया, ये बताएं गरीबों के सामने। आज महंगाई, आज 80 करोड़ रुपए लोगों को अनाज देकर के भिकमंगा बना दिया, उनको नौकरी क्यों नहीं दिया, मनरेगा में काम क्यों नहीं दिया? अगर मनरेगा में काम दिए होते तो उनको भी अनाज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, लेकिन उन्होंने मनरेगा में काम नहीं दिया। उन्होंने कारपोरेट को 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज को माफ किया। अगर सिर्फ 3 लाख करोड़ निकाल देते तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाती, लेकिन गरीब को पैसा देने में उनको तकलीफ है, लेकिन अमीर को कर्ज अमीर लेता रहता है और वो बैंक से, और बैंक में किसका पैसा होता है, हमारे गरीब का कमाया हुआ पैसा रखा जाता है, और उस पैसा को मोदी जी अमीर को देते हैं और अमीर लेके कहता है कि मेरा खर्च हो गया, हमारा कर्ज को माफ कर दीजिए। आप एक गाड़ी खरीदने जाएंगे, आप 1 लाख रुपए लीजिएगा, आपका गाड़ी को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन वही बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, और अंबानी हो, कोई भी हो, अदानी हो, टाटा हो, बिरला, कोई भी हो, वो लोग कर्ज लेता है और कर्ज को मोदी जी माफ कर देते हैं। क्यों आज सर कितना जगह आपका दौरा हो रहा है? आज कितना जगह दौरा हो रहा है? आज हम झाझा कर रहे हैं, झाझा के गांव में कर रहे हैं, उसके बाद गिदौर करेंगे, उसके बाद हमारा सारा, क्योंकि समय कम है, 15-16 दिन बचा है, मुझे हर गांव में जाना है, हर लोगों से मिलना है। आपने ये पूछा इसलिए मैंने बताया कि मोदी जी किस लिए आ रहे हैं। जनता बहुत दुखी है, जब वो डॉलर का दाम 65 रुपीज था तो बोले कि जिस देश में डॉलर का दाम बढ़ जाता है उस देश का प्रशासन बहुत बेकार होता है। तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं कि आज डॉलर का दाम 83 रुपीज हो गया, हमारा रुपया का वैल्यू कम हो गया, तो हम क्या बोलें? महंगाई बढ़ गई क्या बोलें? बेरोजगारी बढ़ गई क्या बोलें? किस नाम पर, किस गारंटी पर हमसे वोट लेने आ रहे हमारे हमारे भोले भाले जनता से? भोले भाले जनता को ऑलरेडी 10 साल ठग लिया, अब कितना दिन तक ठगेंगे? इसलिए मैं जनता को कहना चाहता हूं, अभी भी मोदी जी के गारंटी को गारंटी मत समझना। आप लोग उनकी सारी गारंटी देख लिया, अब वो गारंटी के अफवाह में नहीं फैलना। वो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करता है, और मैं एक डॉक्टर हूं और मैं जानता हूं कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, एक का खून दूसरे के खून में जाकर के उसकी जान को बचाता है। तो जब खून में कोई अंतर नहीं तो आदमी में अंतर कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आप जम्मू को किस तरह से इलाज कीजिएगा? जम्मू का इलाज ऐसा करूंगा कि जम्मू के अस्पताल को मैं ऐसा बना दूंगा कि हार्ट के मरीज को, ब्रेन के मरीज को, किडनी के मरीज को, डायबिटीज के मरीज को पटना और किसी बड़े अस्पताल में जाना नहीं पड़े। जम्मू को मैं एम्स दिल्ली से जोड़ दूंगा, यहाँ पर सारे सीटी स्कैन आ जाएंगे, इको मशीन आ जाएंगे, होल्टर आ जाएंगे, डायलिसिस मशीन आ जाएंगे, यहाँ आएंगे शेखपुरा में आ जाएगा और तारापुर में भी आ जाएगा, और यहाँ पर हम चलती फिरती अस्पताल लाएंगे, हर गांव में अस्पताल जाएगा, लोगों को देखेगा, लोगों को इलाज करेगा, और किसी को भी इलाज में पैसा नहीं लगेगा। हमारे गरीब को 5 रुपया भी दवा, 1-5 रुपया का भी दवा नहीं खरीदना होगा, दवा भी उसको मुफ्त में दिया जाएगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा वचन है, और हमारे नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं यही रोजगार लाऊंगा और नौजवानों को नौकरी दूंगा।